हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल जिसका नाम है स्टॉक मार्केट चैंपियन। इस चैनल पर मल्टीबैगर स्टॉक और उससे जुड़ी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आप लोग को समय पर दी जाती है। इसलिए इस चैनल पर पहली बार आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि कोई भी वीडियो आप लोगों से मिस ना हो। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे केईआई इंडस्ट्रीज शेयर के बारे में, जो शेयर जो है आज के दिन रॉकेट बना हुआ है। 6% से ज्यादा की रैली इसने आज हमको करके दिखाई है। अभी भी ये शेयर 6% ऊपर चल रहा है। इस वीडियो में हम बात करेंगे केईआई इंडस्ट्री जो है किस तरह का बिजनेस करती है, क्या प्रोडक्ट्स बनाती है, कितने कंट्रीज में ये प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट करती है, कितने इसके मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, कहाँ इसके मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, कौन कौन से इसके क्लाइंट हैं, क्या इसका शेयर प्राइस 2000 का हो जाएगा, 2000 का होगा तो कितना समय लेगा 2000 का होने में, इसके अलावा केईआई इंडस्ट्रीज के फंडामेंटल किस तरीके के हैं, क्या इसे आप लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं, नहीं कर सकते, ये सभी जानकारी के लिए वीडियो से बने रहिए। आइए सबसे पहले हम देख लेते हैं केईआई इंडस्ट्री किस तरह का बिजनेस करती है। केईआई इंडस्ट्री दोस्तों वायर एंड केबल सेगमेंट की दिग्गज कंपनी है, जो ये केबल्स बनाती है। उसमें हाई वोल्टेज केबल, वाइंडिंग वायर्स, रबर केबल, थर्मोकपल केबल, कम्युनिकेशन केबल, कंट्रोल केबल, सभी केबल्स ये कंपनी बनाती है। 5000 से ज्यादा इसका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है। 45 से ज्यादा कंट्रीज में ये केबल को एक्सपोर्ट करती है। 21 इसके वेयर हाउसेस हैं। पावर सेगमेंट हो, चाहे ऑयल एंड गैस सेगमेंट हो, पेट्रोकेमिकल, स्टील, मैरीन, सभी सेगमेंट में ये केबल को सप्लाई करती है। पावर सेगमेंट में अगर आप देखें तो ये NTPC, PSPL, UPPCL, उत्तराखंड पावर कॉरपोरेशन सभी को केबल सप्लाई करती है। इसके अलावा टाटा पावर। ऑयल एंड गैस सेक्टर में देखें तो गेल इंडिया, ऑयल इंडिया, कास्को, ONGC सभी को ये सप्लाई करती है। इसी तरीके से पेट्रोकेमिकल्स में अगर हम देखें तो इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम, हिंदुस्तान पेट्रोलियम को ये केबल सप्लाई करती है। स्टील सेक्टर में देख लीजिए, स्टील सेक्टर में टाटा स्टील, JSW स्टील, जिंदल स्टील सभी को ये केबल सप्लाई करती है। मैरीन सेक्टर में अगर हम देखें तो गोवा शिपयार्ड, लवागन डॉकयार्ड को ये केबल सप्लाई करती है। आप देख सकते हैं दोस्तों कितने शानदार कंपनीज इसके क्लाइंट्स हैं, मल्टीनेशनल। क्या इंडस्ट्री कोई नई कंपनी नहीं दोस्तों, 1992 से केबल सेगमेंट की दिग्गज कंपनी है दोस्तों ये। 7% वायर्स और केबल में इंडिया में मार्केट शेयर केईआई इंडस्ट्री के पास है। 50 से ज्यादा कंट्रीज में ये केबल्स को एक्सपोर्ट करती है, ना केवल इंडिया में बल्कि 50 कंट्रीज में इसका बिजनेस फैला हुआ है। 1655 इसके डिस्ट्रीब्यूशन पार्टनर्स हैं। इसके जो प्लांट्स हैं वो राजस्थान में सिलवासिया में स्थित हैं। R&D प्लांट जो है इसका वो राजस्थान के भिवाड़ी में है। देखिए दोस्तों केईआई इंडस्ट्री की जो वायर है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन पावर प्लांट से लेके ट्रांसमिशन लाइन से लेके सब स्टेशन से लेकर के मेट्रो, होम अप्लायंसेस, सभी जगह इसकी एप्लीकेशंस है। जो ये वायर से बनाती है, हर तरह की वायर से बनाती है। आइए दोस्तों केईआई इंडस्ट्री के फंडामेंटल स्टडी कर लेते हैं, जिससे कि हम जान पाएंगे कि फ्यूचर में मल्टीबैगर रिटर्न बना के देगी कि नहीं देगी ये कंपनी। देखिए दोस्तों मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है 9444 करोड़ की है कंपनी की। अभी ये मिड कैप कंपनी है दोस्तों। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 21% का मेंटेन है, रिटर्न ऑन इक्विटी 16% की मेंटेन है। लोअर हाई देख लीजिए, एक साल का 475 का लो और 1265 का हाई इसने एक ही साल में लगाया है। फेस वैल्यू इसकी 2 की चल रही है, यानी कि स्टॉक क्लियर करके आप लोगों को एक्स्ट्रा शेयर का बेनिफिट भी ये कंपनी दे सकती है। आइए दोस्तों प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देख लेते हैं एक बार कंपनी का। एज ऑन मार्च 2010 कंपनी की 896 करोड़ की सेल्स होती थी, जो कि बढ़ के मार्च 2021 में 4181 करोड़ की हो गई है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट कंपनी का 62 करोड़ का था एज ऑन मार्च 2010 में, जो कि बढ़ के मार्च 2021 में 461 करोड़ का शानदार हो गया है। अच्छा खासा जंप इसके ऑपरेटिंग प्रॉफिट में हम लोग को दिखाई दे रहा है। इसी तरीके से नेट प्रॉफिट देखें तो 14 करोड़ का कंपनी को होता था एज ऑन मार्च 2010, जो कि 14 करोड़ से बढ़ के 273 करोड़ हो गया है एज ऑन मार्च 2021। इसमें भी शानदार जंप हम लोग को दिखाई दे रहा है, तकरीबन 20 गुना का जंप इसके नेट प्रॉफिट में हम लोग को दिखाई दे रहा है सिर्फ 10 सालों में। अर्निंग पर शेयर देखा जाए तो 2.34 रुपी का चल रहा था, जो कि बढ़ के 30.33 रुपी का हो चुका है। इसमें भी बेहद शानदार जंप हम लोग को दिखाई दे रहा है। कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ देखें तो 10 सालों से 14% पर एनम की मेंटेन है। कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ देखें तो 10 सालों से 38% पर एनम का शानदार मेंटेन है। स्टॉक प्राइस का CAGR देख लीजिए दोस्तों, एक साल में 99% के रिटर्न दिए हैं। 3 साल से लगातार 41% पर एनम के रिटर्न दे रहा है। 5 साल से लगातार 42% के रिटर्न आप लोग को बना के दे रहा है। 10 साल से कंटिन्यूसली 49% पर एनम के हिसाब से रेट ऑफ इंटरेस्ट से आपकी वेल्थ बना के दे रहा है। कहाँ बैंक में आप लोग को 4-5% इंटरेस्ट मिलता है, और ये आप लोग को पिछले 10 सालों से 50% के तकरीब तकरीबन आप लोगों को रिटर्न बना के दे रहा है ये शेयर। रिटर्न ऑन इक्विटी देखी जाए तो 10 सालों से 19% पर एनम के हिसाब से मेंटेन की हुई है इस कंपनी ने।
आइए दोस्तों शेयरहोल्डिंग पैटर्न देख लेते हैं। ऐसे दिसंबर 2021 प्रमोटर के पास 38.02% की होल्डिंग है। एफआईआई के पास भारी भरकम 21.78% की होल्डिंग है। आप देख सकते हैं एफआईआई इसमें कंटिन्यूअसली इंटरेस्ट दिखा रहे हैं और अपनी होल्डिंग बढ़ाते जा रहे हैं। डीआईआई देख लीजिए 24.03% की होल्डिंग उन्होंने मेंटेन कर रखी है। पब्लिक के पास 16.16% की होल्डिंग है। आइए दोस्तों एक बार शेयर प्राइस का चार्ट स्टडी कर लेते हैं। देखिए दोस्तों आज के दिन अभी भी ये शेयर 6.31% अप मूव दिखा रहा है। 6 महीने में देख लीजिए, 6 महीने में 34% के रिटर्न दिए हैं। 1 साल में देख लीजिए 111% के रिटर्न, यानी कि पैसे को दुगने से ज्यादा तो इसने कर ही दिया है सिर्फ 1 साल में। 5 साल का रिटर्न देख लीजिए तो 507% के रिटर्न बना के दिया है इसने, यानी कि 5 साल में पैसे को 6 गुना से ज्यादा कर दिया है। मैक्सिमम रिटर्न देख लीजिए, मैक्सिमम रिटर्न भी बेहद शानदार है, 1272% के रिटर्न बना के दिया है दोस्तों इसने। तकरीबन 15 सालों में आपके पैसे को इसने 14 गुना तकरीबन कर दिया है दोस्तों। कंपनी बेहद शानदार है। तो दोस्तों आप देख ही चुके हैं कि AI इंडस्ट्रीज किस शानदार तरीके से बिजनेस करती है, ना केवल इंडिया में बल्कि 50 कंट्रीज में इसका बिजनेस फैला हुआ है। कंपनी बेहद बढ़िया है, लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोग के पोर्टफोलियो में जरूर होनी चाहिए। जहां तक रहा इसके शेयर प्राइस का टारगेट 2000 होने का, इसका शेयर प्राइस का टारगेट 2000 तो ये सिर्फ 1 साल में ही अचीव करके दिखाएगा। कंपनी बेहद शानदार है, 2000 इसका मैक्सिमम टारगेट क्या, तो टारगेट तो इसका 2000 भी होगा, शेयर प्राइस इसका 5000 भी होगा, 10000 भी होगा। आप लॉन्ग टर्म के लिए निवेश तो करिए इस कंपनी में, अगर स्टॉक स्प्लिट या कंपनी ने बोनस नहीं दिया तो। और इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, नहीं तो ऐसी इन्फॉर्मेशन आप लोगों से मिस हो सकती है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कुछ डाउट है तो कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए फ्रेंड्स रिलेटिव के साथ, ताकि वो लोग भी KEI इंडस्ट्रीज के बारे में जान सके। अभी इस वीडियो को यहीं खत्म करता हूँ, फिर मिलता हूँ नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।